नमस्कार, मैं हूँ तृप्ति और हमारे YouTube चैनल तृप्ति रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खाने की थाली के साथ भी चटपटे में कोई चटनी हो तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हम एक मिक्सी जार लिए हैं और 200 ग्राम हरा धनिया जिसे साफ कर अच्छे से धो लिए हैं, इसे हम ग्राइंडर जार में ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें एक मीडियम आकार का 4 टुकड़े में कट किया हुआ टमाटर लेंगे। टमाटर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च 1 या 2 और डाल सकते हैं। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो इसमें एक मीडियम आकार का प्याज भी डाल सकते हैं, इससे भी इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे ढक्कन बंद करके। चटनी को हम अच्छे से ग्राइंडर कर लेते हैं। जब भी हरा धनिया और टमाटर की चटनी हम बनाते हैं तो बिल्कुल सिलबट्टे जैसी टेस्ट आती है। ढक्कन हटाकर देखते हैं, अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक बर्तन लेंगे और इसमें एक स्पून के हेल्प से चटनी को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे आपको एक सीक्रेट बताने वाले हैं। जब भी हरा धनिया और टमाटर की चटनी बनाते हैं तो थोड़ा कालापन आने लगता है, इसलिए इसमें हम 1 चम्मच छोटा चम्मच नींबू का जूस डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नींबू का जूस डालने से हरी चटनी बिल्कुल हरी हरी नजर आएगी। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही कम समय में स्वादिष्ट हरी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे स्नैक्स या पराठे के साथ खाइए तो उसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा। तो इस रेसिपी को आप अपने घर में एक बार अवश्य ट्राई करिएगा। और अगर आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।